हेलो ऑल, कैसे हो? तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, देखेंगे हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ये हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता। इतना आप लोगों के लिए कुछ भी करो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है और ना ही कभी समझ में आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया, अगले कुछ घंटे के लिए हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही बता दो कि ये जो आप मुझे मेरे हाथ में ब्रेसलेट देख रहे हो, ये है ब्रेसलेट आपके लिए। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रेसलेट है आपके लव लाइफ के लिए नहीं है, आपके लिए गुड लक के लिए है। ठीक है, आपके गुड लक के लिए है, आपके आसपास नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। ठीक है, आपके पास पैसे की कमी है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, या फिर बिजनेस चल तो रहा है लेकिन अच्छा खासा नहीं चल रहा है, पैसे कमा तो रहे हो लेकिन बचता नहीं है। ठीक है, उसके लिए है ये ब्रेसलेट। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये मनी के लिए है, ओम मनी पद में हम। ठीक है, ये जो है ना, ये ब्रेसलेट उसके लिए है, मनी के लिए, स्पेशली मनी के लिए। जो लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं, पैसे की कमी, एकदम से परेशान, कर्ज में डूब चुके हो, पैसे से एकदम से परेशान हो, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो ये ब्रेसलेट आप लोग जो है ले सकते हो। इसको मैं चार्ज करके दूंगी आपको। ठीक है, और चार्ज करने के बाद से आप इसको पहनोगे या फिर आप इसको रख सकते हो। ठीक, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। ये थोड़ा कॉस्टली है, बट जो है, अगर आप लेना चाहो तो लो, क्योंकि इसके लेने से बहुत बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये ड्रैगन है, यहाँ पे ड्रैगन है, ये ड्रैगन बना हुआ है। तो ये जो ब्रेसलेट है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, है ना, आपकी हेल्थ वेल्थ गुड लक, है ना, इन सारी चीज़ें जो है मैं जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके साथ ही ये लव लाइफ को लेकर के ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ, इसको भी चार्ज करके मैं ब्रेसलेट दे रही हूँ लव लाइफ के लिए। और ये आपके लिए लक के लिए, बिजनेस के लिए, देखो ये दोनों जो है लक और बिजनेस के लिए बहुत अच्छे ब्रेसलेट्स हैं, बहुत बहुत बहुत। दोनों को लो, ज़्यादा बेहतर है। नहीं ले सकते तो सिर्फ एक लो, एक ये ले लो या फिर ये एक ले लो। ठीक है, मैं तो कहूँगी दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से बैठेगा कि आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो जो भी मेरे व्यूवर्स लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट अगले कुछ घंटे। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स। और ब्रेसलेट के बारे में बताना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाँ ब्रेसलेट मैम बताइए और कुछ उपाय बताइए। तो उसके लिए मैं यही जो है उपाय बताती हूँ आपको। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता वो स्किप कर सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स। अगले कुछ घंटे नंबर 3, सोलर प्लेक्सस चक्र।
मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने चक्रास पे वर्क करने के बारे में सोचेंगे। देखो ये जो ब्रेसलेट है ये आपके चक्रास को भी हील करता है, आपके ऑरा को भी क्लीन करता है, ठीक है ये ब्रेसलेट। सो ये मुझे देख करके ये कलर का जो है ना ये पीला, ये भी पीला है ना, तो थोड़ा सा वो दिखा मुझे। तो वही है कि आपके जो कार्ड से बता रहे हैं कि अब कहीं हद तक आपको पता चलेगा कि हाँ आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है, कैसे सिचुएशंस आएंगी जिससे आप डील करने वाले हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि हाँ आपको जो है ना काफ़ी हद तक कुछ पता चलने वाला है। ठीक, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ वेरीफाई सॉरी रिलीफ का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड यही बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटे में आपके साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया मतलब यही जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कभी। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमारे साथ हम एक्सपेक्टेशन जो हमारी नहीं रहती है वो भी हमारे साथ हो जाता है कभी कभी, इतना मिरेकल हो जाता है हमारे साथ। तो वही कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ होने वाला है, कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। वाह, लव 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 लव। तो यहाँ पे आप तो आपकी लाइफ में जो है ना, आपकी लव लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि अगले कुछ घंटे में आपका और आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बनने वाला है, आप दोनों को कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है आपके पर्सन के द्वारा। ठीक है, और आपको कमिटमेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा कि हाँ लगेगा कि हाँ बहुत ही रोमांटिक तरीके से, आपने सोचा नहीं होगा जिस पर्सन से, हो सकता है कि आपके क्रश होंगे है ना, जिनसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हाँ ये आपको प्रपोज़ल देंगे या प्रपोज़ करेंगे मैरिज के लिए, और अचानक से ही आपको जो है ना मैरिज का प्रपोज़ल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की भी एनर्जी दिखती है। मूविंग ऑन, यहाँ पे अगले कुछ घंटे में कुछ लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अपने रिलेशनशिप में इनको कंटिन्यू करना है या फिर आगे बढ़ जाना है, यानी कि इस रिलेशनशिप के बाद से कोई अदर रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना है या फिर इसी के साथ कंटिन्यू करना है। कुछ लोग यहाँ पे डिसीजन ले लेंगे क्योंकि अपना फ्यूचर देख करके अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। हर किसी को, हर कोई अपना फ्यूचर को लेकर के जो है ना सिक्योर रहता है, ठीक है, और सिक्योर रहकर चलना भी पसंद करता है। तो यहाँ पे यही है। नंबर 5, चैलेंजिंग टाइम्स। देखो आपके सामने अगले कुछ घंटे में जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। ठीक है, चैलेंजिंग आपको मिलेगा, चैलेंजिंग आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जो कि आपके लाइफ में आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी जो है ना आप उस मुश्किल को एक्सेप्ट करके और लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करोगे। ठीक है, तो अगले कुछ घंटे में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि काफ़ी चैलेंज से भरा होगा, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करके आप जीत को भी हासिल करोगे। ठीक, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं, ज़्यादा रीडिंग हम लंबी नहीं करेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। और जिनको भी ब्रेसलेट मिल चुका है पिछला वाला, वो मुझे मैसेज करें कि हाँ दी ब्रेसलेट मिल चुका है, सो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। 8 ऑफ वैंड्स, अगले कुछ घंटे में आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं। बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे ना कि हाँ आपके पार्टनर आपसे बात करें, क्लियर बातें हो, क्लियर कम्युनिकेशंस है ना, इंतज़ार कर रहे थे, कुछ एक्शन लेने का वेट कर रहे थे। तो अगले कुछ घंटे में आपके पार्टनर के साथ आपकी बातें होने वाली हैं, क्लियर कट में बातें होने वाली हैं, और ये बातें जो हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम से क्लियर रहेंगी, एकदम पूरी तरीके से क्लियर रहेंगी। ठीक, नाइट ऑफ कॉइन्स, आपके पर्सन बार बार आना जाना जो लगातार करते रहते थे आपकी लाइफ में, ठीक है, अगले कुछ घंटे में ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में आएंगे, और वही है कि इस बार आएंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, इस बार आएंगे तो पूरी तरीके से कमिटमेंट दे करके जाएंगे। और ये पर्सन को ऐसा भी रहेगा कि हाँ ये पर्सन इस बार अगर आते हैं तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो लव लाइफ है, ठीक है, अगले कुछ घंटे में यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज होने वाली है।
यहाँ पे यही दिख रहे हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद, कुछ डाउट्स इनके क्लियर हो जाने के बाद से ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग की गई है पहले भी आपके बारे में, और आपने भी काफ़ी सोचा है अपने रिलेशनशिप के बारे में कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे आपके पर्सन भी, खैर यहाँ पे आपके पर्सन भी कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं आपको लेकर के, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। आपके पर्सन अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को छोड़ कर के, ठीक, आपके तरफ ये ज़्यादा सोचने वाले हैं। ये इस तरीके से सोचने वाले हैं कि हाँ, मतलब कि आपके फेवर में है ना, आपके पार्टनर सोचने वाले हैं, ठीक, कि मतलब कि जो भी रिज़ल्ट है या जो भी सिचुएशन है, इसको अपने पर्सन की तरफ से देखा जाए तो, मतलब कि आपके पर्सन, मतलब कि आप जो है ना, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो होता है ना कि काफ़ी स्ट्रांग वाइब्स है ना, तो वो मुझे नज़र आती है कि काफ़ी स्ट्रांग वाइब्स आपको भी फील होगी अगले कुछ घंटे में अपने पर्सन की तरफ से, और आपके पार्टनर को भी फील होगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक्शन लेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे अगले कुछ घंटे में आपका जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ये क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी जो कि जहाँ डिसीज़न लेने का एकदम से था कि हाँ डिसीज़न लेना ही होगा, वहाँ पे अगर सिर्फ डिसीज़न के लिए रुकी हुई थी चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, चीज़ें मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। द हाई प्रिस्टेस, एकदम से आगे बढ़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगले कुछ घंटे में जो है ना, आपकी लव लाइफ में बहुत बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, सो आप रेडी रहो। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर भी कोई हद तक आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। सो रीडिंग को अब हम करेंगे ख़त्म, क्योंकि जो है ना, मैं ज़्यादा रीडिंग लंबी अभी नहीं करना चाहूँगी। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, देखते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।